नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर सतीश कौशिक की। सतीश कौशिक तो जा चुके हैं, लेकिन उनके जाने का जो गम है वो अभी भी उनके परिवार और उनके दोस्तों के बीच देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि परसों सतीश कौशिक जी का जन्मदिन था और 60वां जन्मदिन था, और उनके परिवार और उनके दोस्तों का दुख एक बार और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल आपको बता दें कि अनुपम खेर, अनिल कपूर समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे उनके 60वें जन्मदिन पर। इस दौरान देखने को मिला कि उनकी बेटी 11 साल की वंशिका काफी ज्यादा भावुक हो गई। दरअसल आपको बता दें कि वंशिका ने अपने पिता के जन्मदिन के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे उन्होंने अनुपम खेर को देते हुए कहा कि इसे पापा की चिता पर रख देना। हालांकि अनुपम खेर ने वो किया भी, लेकिन उससे पहले उन्होंने उस चिट्ठी के अंदर जो लिखा था उसकी एक फोटो क्लिक कर ली, और इस फोटो को उन्होंने सतीश कौशिक के जन्मदिन पर अपनी बेटी वंशिका को दिखाया। और वंशिका ने जब इस चिट्ठी में लिखे हुए लफ्जों को पढ़ा तो काफी ज्यादा भावुक हो गई। उसका वीडियो पहले आपको दिखाना चाहेंगे। Hello Papa, I know that now you are dead, but I wanted to know that I'll always be there for you. Lots of your friends taught me to be strong, but I can't live without you. I miss you so much. If I knew this was going to happen, I would miss weeks of school just to spend time with you. I wish I could have hugged you just for once, but now you're gone. You're still in my heart, hopefully. Like the movies, there's a miracle in your life, but I don't know who will save me from Mama when she's shouting at me for not finishing my homework. I don't even feel like going to school anymore. That what my friends will say when they will they make fun of me. Please come in my dreams every single day. I've done puja for you. And I want you to be in heaven and live a happy life with a big mansion and a Rolls Royce with a Ferrari and a Lamborghini. You will eat great food. Anyway, we will meet in 90 years again. Please don't rebirth. I will meet you in 90 years again. And please remember me. I will remember you forever, Papa. You will stay in my heart. And wherever I close my eyes and touch my heart, I will see you. And you... You give me the right path to go from. You will guide me in my life forever. Your soul remains with me. I love you. Rest in peace. I had the world's best dad ever. You did have the world's best dad ever. And with all your dads and brothers and sisters and uncles and all of you, you're always there. Whenever you look at us, you'll see a part of Satish on us. Okay, you had a good evening today? Yes? God bless you. Thank you so much. तो देखा आपने कितना इमोशनल था ये वीडियो। आपको बता दें कि सतीश कौशिक का यूं अचानक इस दुनिया से चला जाना न केवल उनके फैंस को खल रहा है, बल्कि उनकी बेटी वंशिका को भी बहुत ज्यादा खल रहा है, क्योंकि वो हंसते गाते जिस तरह से होली के महज एक दिन बाद इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, और उनके परिवार के बीच जो दुख है वो अभी भी उतना ही ज्यादा है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।